मेरे पैर में काफी दर्द रहता था, मैं काफी देर खड़ा नहीं रह पाता था, बैठने में बिना सपोर्ट के मैं बैठ नहीं पाता था सर। कई डॉक्टरों से दिखाया सर, तो वो फिर जनरल जो मल्टीविटामिन या फिर आयरन कैल्शियम की दवाएं होती थी सर, वो नहीं, वही देते थे सर। छह सात सर मैं बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लखनऊ में तो करीब मान के चलिए 6-7 डॉक्टरों को दिखाया, गोरखपुर में 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, और आयुर्वेद में भी सर 1 साल मैंने समय दिया था, लेकिन सर कोई रिलीफ ना हो मिला। काफी खर्चा भी हो गया होगा सर। बहुत खर्च सर, भागना तो सर जब से मेरी दर्द हुई मैं भागा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता था सर। अब कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अब तो सर मुझे छींके भी आ रही हैं तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है सर। पैर में दर्द सर बहुत नॉर्मल है, बिना दर्द के मैं सो जा रहा हूँ, ऐसा पहले नींद नहीं आती थी। सीधे तो कभी लेटा ही नहीं सर। 2013 में हमारी शादी हुई है सर, अब बता तो नहीं, अभी तक मैं सीधा लेटा ही नहीं हूँ सर। अब लेटे? अब तो ये और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। सर्जरी के बाद तो कुछ नहीं हुआ सर, कंफर्टेबल थे सर एकदम। आप जो इंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं सर, उसमें बोन कटिंग कहीं है ही नहीं सर, तो डर तो वाली कोई बात तो नहीं, नहीं डर तो होना ही नहीं चाहिए किसी को भी। फायदा होगा, फायदा छोड़ के नुकसान तो कोई नहीं सकता, कोई नहीं। 10 साल बाद सर को अच्छा देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। चलिए, तो कृपा शंकर जी हमारे मरीज हैं सर। सर्जरी से पहले आपको क्या दिक्कत होती थी? सर्जरी से पहले सर मेरे पैर में काफ़ी दर्द रहता था, मैं काफ़ी देर खड़ा नहीं रह पाता था, बैठने में बिना सपोर्ट के मैं बैठ नहीं पाता था सर, और चलने में तो बमुश्किल मैं सर 300-400 मीटर ही चल पाता था, फिर पैर में काफ़ी दर्द शुरू हो जाते थे सर। झुकना तो सर इम्पॉसिबल था। ओके, झुकने में बहुत दिक्कत थी। झुक तो नहीं पाता था, बैठता था और फिर वो पैर पकड़ करके ही खड़ा होना पड़ता था, जंगे पे हाथ रख करके, बिना सपोर्ट के मैं खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो पाते थे। कितने दिन से परेशान थे सर? सर समय तो सर मुझे काफी दिनों से पैर में दर्द था, लेकिन ये फाइंड आउट नहीं हो पाया सर कि क्यों हो रहा है। हाँ, कई डॉक्टरों से दिखाया सर, तो वो फिर जनरल जो मल्टीविटामिन या फिर आयरन कैल्शियम की दवाएं होती थी सर, वो नहीं, वही देते थे सर। 2017 में सर ये फाइंड आउट हुआ कि मुझे स्लीप डिस्क है। 2017 में, और अब 2023 हो गया, तो मतलब 5 साल। हाँ सर, 5 साल क्या, 6 साल हो गया। 6 साल, छह साल से सर मैं बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लखनऊ में तो करीब मान के चलिए 6-7 डॉक्टरों को दिखाया, गोरखपुर में 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, और आयुर्वेद में भी सर 1 साल मैंने समय दिया, अमरकंटक जगह है सर, आयुर्वेद में भी काफी दिखाया, वहाँ पे दिखाया, लेकिन सर कोई रिलीफ ना हो मिला। काफी खर्चा भी हो गया होगा सर। बहुत खर्च सर, जाना बहुत खर्चा हो गया, मतलब फाइनेंशियली भी लोड होता है। हाँ। और मुझे लगता है मेंटली भी, मेंटली तो और भी है, टेंशन होती है ना दीदी, घर में कोई ठीक ना हो और सर काम करेंगे वाले, तो फैमिली रहती नहीं, अकेले रहना रहता है सर। हाँ। और मेंटल स्ट्रेस, और मेंटल स्ट्रेस था, तो यही सब दिक्कत थी सर। फिर हमने कहा कि बाद सर्जरी कराऊंगा, दवा तो फिर काम नहीं करेगा, असंभव है। दवा मुझे लगा कि अब ये मैं दवा से नहीं, क्योंकि कुछ दिन एक्सरसाइज भी सर मैं नहीं कर पाता था, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, इतने पेन होते थे कि मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता था। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज होती है जैसे लंबी सांस लेना या खांसना, उसमें भी दिक्कत होती थी? नहीं सर, खांसने में तो होती थी सर, खांसने में, छींकने में, हाँ ये होती थी, उसमें दिक्कत होती थी। भागने में दिक्कत होती थी? भागना तो सर जब से मेरी दर्द हुई मैं भागा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता था सर। बाप रे बाप। सन 2013 में इनकी दौड़ थी 10 किलोमीटर की। हाँ हाँ, वही उस समय ये दौड़े थे, उसके बाद नहीं दौड़ पाए, उसके बाद नहीं सर। बहुत लंबा टाइम हो गया, 10 साल हो गए सर। अच्छा ये बताइए, आज आपकी एंडोस्कोपी करे हुए हमें कितने दिन हो गए? 14 दिन सर। 14 दिन हो गए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अब तो सर मुझे छींके भी आ रही हैं तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है सर, और झुकना तो अभी आप मना ही किए तो झुकने का तो है ही नहीं सर। पैर में दर्द सर बहुत नॉर्मल है, मतलब हल्का फुल्का है सर, लेकिन अब वो बिना दर्द के मैं सो जा रहा हूँ, ऐसा पहले नींद नहीं आती थी। पहले नींद में नहीं आती थी? हाँ, दवा खाने के बाद भी सर।
दवा खाने के बाद भी इनको नींद नहीं आती, सो नहीं पाते। इधर महीने डेढ़ महीने से तो और ये सो, और इकाई के सर इतना तेज पेन होता था कि पैर झटका जाता अपने आप, जैसे होता था करंट सा लगना, पैर झटक जाता था, मतलब कि नींद लगी भी तो खुल जाएगी। हाँ, उतना तेज पेन होता था सर। ओहो, ओहो। सीधे लेटने में दर्द होता था? सीधे तो कभी लेटा ही नहीं सर, ये कभी नहीं लेटे। ओहो, तो सर, हाँ सर, जब से सीधे इनको हम देखे ही नहीं। 2013 में हमारी शादी हुई है सर, और अभी हम बता तो रही है, अभी तक मैं सीधा लेटा ही नहीं हूँ सर। अब लेटे? हाँ, अब तो ये सो रहा हूँ सर। तो सीधा सो के अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ सर, नॉर्मल लोगों जैसी एकदम सर। बड़ी तो भूल ही गए थे सर, पीठ के बल कैसे सोया जाता है। अरे बाप रे बाप, बहुत मतलब मेरे ख्याल से बहुत झेला है, बहुत। हाँ सर, बहुत स्ट्रेस। आपने एक बात भी कहा था सर कि सर्जरी के लेकर के एक बात आपने कहा था कि 50-60 साल के बाद सर्जरी कराना अगर उचित है तो इतने दिन तक दर्द झेलना उचित नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो ये बताओ मुझे कि अब आपको कैसा लग रहा है सर्जरी के बाद, अब आपकी मानसिक रूप से आपको कैसी फीलिंग आ रही है? सर बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। कोई ऑपरेशन में डर लगा? नहीं, ऑपरेशन में तो सर मैं इतना मेंटली प्रिपेयर था सर कि मैं किसी को साथ में भी लेके नहीं आना चाह रहा था। ये हमको बहुत फोर्स कर रही थी कि मैं भी चलूंगी, मैं चलूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले चले जाऊंगा। फिर ये हुआ कि मेरा भांजा है जो आया हुआ है, तो उसको ले करके आऊंगा। तो फिर ये हुआ कि पिताजी को लेके जाइए। तो मेरे पिताजी काफी बुजुर्ग हैं, तो मैं अपने फादर इन लॉ को लेकर के आया। बस दो लोग हम लोग आए और सारा काम करवा के। हाँ सर, जबकि बीपी मेरा सर नॉर्मली 160 रहता था। हाँ। और ओटी में मेरा बीपी 130/85 था सर। हाँ, हाँ, हाँ। तो कंफर्टेबल थे, कॉन्फिडेंट थे? एकदम सर, एकदम। अच्छा, सर्जरी के बाद कोई ऐसा आपको दर्द हुआ हो या कोई परेशानी हुई हो? नहीं सर, सर्जरी के बाद तो कुछ नहीं हुआ सर। कंफर्टेबल थे? कंफर्टेबल थे सर, एकदम। अच्छा, ये बताइए सर, जो लोग, देखिए जैसे आपने भी डिले किया ऑपरेशन को, तो सर ये वीडियोस इसलिए है कि कुछ लोगों को हम कुछ अच्छी जानकारी दे पाएं। तो जो लोग डर रहे होंगे, जिनको हो गए होंगे 2-3-4 साल, जिनको लग रहा होगा कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए या पैरालिसिस हो जाएगा, आपको भी ऐसी बातें बताई गई होंगी जी सर, तो उनको आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मन से क्या देना, क्या बताना चाहते हैं? सर, जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस लिया है उस हिसाब से पहले ये था कि डॉक्टर लोग ओपेस सर्जरी में सर बोन को कट करते थे सर, जिससे कई नसें डैमेज होने की संभावना होती थी, जिससे ये जो र्यूमर था या जो भी फैट थी वो लोगों के दिमाग में है। लेकिन आप जो इंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं सर, उसमें बोन कटिंग कहीं है ही नहीं सर, तो नॉर्मल छेद से चल जाता है एकदम एकदम सर, और कोई नर्वस सिस्टम टच हो नहीं रहा सर, तो लॉस होने की संभावना तो मेरे ख्याल से नगण्य है, लगभग ना के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, तो डर तो वाली कोई बात तो नहीं, नहीं किसी को डर तो होना ही नहीं चाहिए किसी को भी। फायदा होगा, फायदा छोड़ के नुकसान तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बहुत ही खुशी की बात है। दीदी कैसा लग रहा है अब 10 साल बाद सर को अच्छा देख के, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, संतुष्ट है? संतुष्ट है। चलिए, पेन चला गया। इधर तो हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हम अकेले रहते भी हैं घर पे, ये ड्यूटी पे ही रहते हैं, तो सुन के बहुत दुख लगता था। और जब से आप आए हो तब से मतलब दर्द में ही देखा? हाँ, उसके पहले से ही देख रहे हैं दर्द में, 2011 से ही इनको दर्द में देख रहे हैं। मतलब एक तरह से 12-15 साल की परेशानी को निजात मिली। अरे सर, जनवरी में बता रहे हैं सर, इसी जनवरी में सर मेरा चलना दोबारा हो गया था। मैं पैर नहीं उठा पा रहा था। हाँ, अगर चल भी जाता सर तो मतलब फिटनेस आ रही थी। हाँ, ऐसे ऐसे करके चल रहा था मैं। हाँ, एक तरह से लंगड़ा के। हाँ, लंगड़ा के भी नहीं सर, एकदम मतलब पैर लिफ्ट ही नहीं होती थी, पैर लिफ्ट ही नहीं होती थी। कई लोग पकड़ के इनको टॉयलेट, तो टॉयलेट भी सर मैं खड़े होकर के ऐसे झुक करके करता था, क्योंकि इंडियन सीट थी। हाँ, पुलिस स्टेशन पे तो भी इंडियन सीट है सर, तो तमाम दिक्कतें थी उसमें सर। और आपकी जॉब भी इतनी डिफिकल्ट, मेहनत वाला काम है ना। चलिए, कृपा शंकर जी ठीक हो गए, सबसे खुशी की बात तो यही है, ऊपर वाले ने कर दिया काम, है ना सर। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। करने वाला वही है, तो वही करता है जो करता है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर। थैंक यू।